हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आज हम जानेंगे गाइस कि मणिबंध रेखा जो है कलाई पर रहती है वो जातक को क्या फल देती है। जैसे आप फर्स्ट कलाई पे देख रहे हैं जो एक स्लीपिंग लाइन के रूप में है, वो पहला मणिबंध रेखा है, वो आपको स्वास्थ्य प्रदान करती है, अच्छा आयु प्रदान करती है, आपके हेल्थ को दर्शाती है। यानी पहला लाइन अगर साफ सुथरा है और एकदम सरल रूप में खींचा हुआ है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा और आपका आयु भी इस रेखा के द्वारा जाना जा सकता है गाइस। और दूसरा जो ब्रेसलेट लाइन है उससे हम अपने आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यानी आप का जो व्यवसाय रहेगा, जॉब रहेगा, यानी आपका जो पैसा रहेगा, धन समृद्धि रहेगा, वो कैसा रहने वाला है, ये सेकंड लाइन से हम जान सकते हैं। थर्ड लाइन जो है गाइस आपके जीवन की शैली को दर्शाता है, यानी आप जीवन को कैसे जीते हैं। यानी आपके जीवन में भौतिक सुख है या फिर शुक्र की भावना अधिक है, या फिर आपके जीवन में जो लग्जरियस है वो कैसा है, यानी भौतिक सुख मटेरियल लाइफ आपकी कैसी रहेगी, थर्ड लाइन से हम जान सकते हैं। और ये बात है गाइस कि जिस भी व्यक्ति के हथेली में चौथा मणिबंध रेखा होता है, यानी चौथी मणिबंध रेखा गाइस बहुत कुछ कम लोगों में पाई जाती है, सब में बिल्कुल नहीं पाई जाती। और जिसमें पाई जाती है गाइस वो राजा के समान, राजा के तुल्य होता है। उसके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, उसमें किंग की एनर्जी रहती है, वो किंग की तरह, राजा की तरह अपना लाइफस्टाइल जीता है और अपने हर एक कार्य को राजा की तरह पूरा करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चौथा मणिबंध रेखा है बस कुछ लोगों में पाई जाती है, यानी रेयर केस में पाई जाती है। और जिस भी व्यक्ति के हथेली में होगा गाइस वो राजा के समान राज करेगा, उसको लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है, ना तो पैसे की कमी होगी, ना तो भौतिक चीज़ों की कमी होगी, ना लग्जरियस की कमी होगी और ना तो पैसे वाइज तो कभी कमी नहीं होगी।